फ्रेंड्स, हियर वी आर वंस अगेन विद जेपीआरसी डिजिटल स्टडी स्टूडेंट्स। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चैप्टर सॉक्रेटिस। इट वाज अ वेरी गुड एशे रिटन बाय रोधा पावर। शी वाज बोर्न ऑन 29th मे 1890 एंड वाज डाइड ऑन 9th मार्च 1957। शी वाज अ वेरी गुड राइटर। शी गॉट हर अर्ली एजुकेशन एट ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल एंड आल्सो जॉइंड सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी इन स्कॉटलैंड फॉर हिज हायर स्टडीज। शी हैड वर्क्ड एज अ ब्रॉडकास्टर इन बीबीसी इन 1927। Her well-known, well-interesting essays and stories are stories from everywhere. 7 minute tales, tales for the telling, and Red Cab Runs Away. She provided her great stories in these essays. In this very relation, she had written about the Socrates, the well-known philosopher of Egypt. He had worked for the greatness of the people of Egypt and Athens. The rulers of Athens had realized that Socrates make the people stand against them, so they condemned him to death. Without any opposition, Socrates accepted the judgment of the rulers. He himself got the cup of the poison and drank it and was dying. His educations were learned throughout the country at the great time by the people of the Athens. People liked him. We are going to know more about Socrates in this relation. So let's see our textbook and know what will happen with the Socrates. See your textbook. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. Jesus Christ was born means Jesus Christ ईसा मसीह के जन्म से 400 बीसी यानी 400 ईसा पूर्व एथेंस में सुक्रात का जन्म हुआ था। एज अ बॉय एक बच्चे के रूप में ही वह अगली वह बड़े ही भद्दे थे, सुंदर नहीं थे, अंडरसाइज नाटे कद के थे एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आईज। वह उनका चेहरा ऐसा भद्दा था कि उनकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई और उनकी नाक चिपटी थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। उनके पिताजी एक पत्थर तराशने वाले थे, पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर सैडली ड्रेस्ड। इसलिए अक्सर वह सैडली ड्रेस्ड मींस डर्टी ड्रेस मीन गंदे भद्दे कपड़े पहने रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। अपनी उम्र के हर एक बच्चों की तरह ही वेंट टू स्कूल, वह भी विद्यालय गया। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिमनास्टिक्स। जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ हुआ करते थे वह संगीत और जिमनास्टिक की शिक्षा थी। He also learned some science and mathematics. सुक्रात ने कुछ विज्ञान और गणित की भी शिक्षा ली। And little about the stars, और थोड़ा बहुत तारों की भी जानकारी, नक्षत्रों की भी जानकारी ली। But not nearly so much history and geography. लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में बहुत अधिक उन्होंने नहीं जाना। As children learn today, जैसा कि आजकल के बच्चे जाना सीखा करते हैं। This strange little creature with a short neck and plain face
वाज़ा थाट होना चाहिए, लेकिन जो यह प्लेन फेस मीन्स चिपके चेहरे वाला एंड शॉर्ट नेक और छोटी गर्दन वाला जो छोटा सा बच्चा था, एक विचारवान बच्चा था, यह हमेशा कुछ न कुछ सोचा करता था। He watched his companions, वह अपने साथियों को देखा करता था, उनको गौर से देखता था all the time, हर समय, and allowed very few things to escape his notice, और बहुत ही कम ऐसी चीजें होती थी जो उसके ध्यान से दूर होती, means हर एक चीज का बड़े सूक्ष्म तरीके से निगरानी किया करता था। Socrates did not have a big house or fine furniture, सुकरात के पास एक बड़ा मकान और अच्छे फर्नीचर नहीं थे। He did not seem to want either wealth or beautiful position, और न ही वह सुंदरता और धन वैभव की लालसा रखता था। As he grew older, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, he began to think very little for bodily comfort and pleasure. Bodily comfort and pleasure means अपने शरीर की सुविधा के लिए और उसकी उसको विलासिता दिलाने के लिए वह बहुत कम सोचने लगा। He gave his mind to all that was novel, honorable and just, क्योंकि उसने अपना सारा ध्यान उस ओर लगाया जो कि सम्माननीय हो, न्यायपूर्ण हो और अनोखा हो। मीन्स उन्होंने उसने अद्भुत चीजों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना शुरू किया, अपने शारीरिक सुविधा के बारे में उसने सोचना बंद कर दिया। Socrates went around the town on foot. On foot means पैदल। सुकरात पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ता and talked to people, और लोगों से बातें किया करता। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets, और जो एथेंस वासी थे उनके लिए उसका चेहरा एक चिर परिचित चेहरा हो गया था, क्योंकि प्रतिदिन वह गली में जाकर लोगों से बातें किया करता था। And to say to their friends, yes, that's Socrates. और एथेंस वासी अपने मित्रों से भी कहा करते थे कि वो देखो, वो सुकरात है। Come along and talk to him. आओ, चलें और उससे बातें करें। After some times, Socrates became famous as a teacher. He wandered along the roads and stood in the marketplace. After some time, Socrates became famous as a teacher. कुछ ही दिनों में सुकरात इतना प्रसिद्ध हो गया जितना कि एक शिक्षक और गुरु हुआ करते हैं। He wandered along the roads, वह सड़कों पर इधर उधर विचरण करता रहता था, घूमता रहता था। And stood in the marketplace, और बाजारों में भी खड़ा हो जाया करता, talking to anyone who cared to greet him, और जो भी उसकी ओर ध्यान देता उससे बातें करना चाहता वह उनसे बातें किया करता था। His listeners were often confused, लेकिन जो उसको सुनने वाले थे वह अक्सर ही भ्रमित हो जाया करते थे। After they had argued with him, जब वे उससे बात भी बात किया करते थे, और answered his questions, या उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. सुकरात अपने देशवासियों से कहता था कि everyone must learn to think for himself, कि हर एक व्यक्ति को अपने बारे में भी विचार करना चाहिए। So that by using his reason he would have the power to see, क्योंकि ऐसा करने के बाद उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है to see what was right, just, true and beautiful, कि क्या अच्छा है, क्या ठीक है, क्या सुंदर है और क्या न्यायपूर्ण है। And so said his own conduct, और ऐसा करके ही वह अपनी संगत भी बना सकता है। मीन्स वह अच्छाई को जान करके ही वह अच्छे लोगों की संगत कर सकता है। He wanted Athens to be a perfect state. वह ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि वह चाहता था कि Athens एक परफेक्ट राज्य बन जाए, एक अच्छा राज्य बने। He told everyone, वह हर एक को बताता था, both his pupils and his other followers, अपने शिष्यों को और अपने अनुयायियों को, that this could only happen, कि यह तभी संभव हो सकता है, if every citizen educated his own mind to see, यदि हर एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क को इस तरह से तैयार कर ले कि वह जान पाए कि क्या ठीक है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अद्भुत है और क्या अच्छा है। He believed that questioning and discussing would help them to do this. उनका भरोसा, he believed, वो भरोसा करते थे कि एक दूसरे से प्रश्न करके, एक दूसरे से बात विवाद करके ही इन चीजों को जाना जा सकता है।
एंड सो ही वाज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट। और यही कारण था कि वह उनसे खुली गलियों में हमेशा बातें करने के लिए तैयार रहता था, बातें करता था। व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात वृद्ध हो गया, इस सेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, फार एंड वाइड दूर दूर तक, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपेंड इट्स डोर टू हिम, वह इतना प्रसिद्ध हो गया था कि बहुत से धनी लोगों के भी दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहते थे। पर पीपुल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग उसे अपना मेहमान बना करके अपने को गौरवान्वित महसूस किया करते थे। बाई डिग्रीज स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर अराउंड हिम, और इस समय तक विशेष शिष्यों का एक समूह उसके साथ हमेशा रहता था। एंड फॉलोड हिम वेयर ही वेंट, और उनके पीछे पीछे चलता था जहां भी वह जाते थे। अमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, और उन्हीं शिष्यों में एक नव युवक था जिसका नाम प्लेटो था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, जो कि अपने गुरु के द्वारा बताए गए हर एक शब्द को संरक्षित किया करता था, इकट्ठा कर लेता था। एंड इन द लेटर इयर्स बिकेम फेमस एज अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, और उसने अपने गुरु के शब्दों को इतना अच्छी तरीके से ग्रहण किया, अपने आप में उसने स्थापित कर लिया कि आने वाले समय में वह भी उतना ही प्रसिद्ध हुआ जितना कि उसका गुरु सुकरात था। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, बट ऑल्दो मेनी पीपल लव द ओल्ड मैन, यद्यपि बहुत से लोग उस वृद्ध व्यक्ति सुकरात को पसंद करते थे, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमानीपूर्ण बातों से प्रसन्न हुआ करते थे। देयर वर सम हु, लेकिन कुछ ऐसे भी थे हु डिड नॉट अप्रूव हिम, जो उससे सहमत नहीं थे। ही टॉट दैट मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस इज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, वह बताते थे कि मानव के स्वयं का मस्तिष्क, स्वयं की सोच ईश्वर की पूजा से ज्यादा उसको शुद्ध कर सकती है। दे सीम्ड टू सम पीपल, ऐसा कुछ लोगों को लगा, पर न्यू एंड विकेड आइडिया कि यह सुकरात का विचार जो है यह बड़ा क्रूरतापूर्ण है, एक नया विचार है। ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू एथेंस, सुकरात कहते थे कि कुछ अच्छे और उच्च कार्य भी हैं एथेंस के लिए बलिदान करने की अपेक्षा। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक्स, एथेंस के लिए बलिदान करना या जो यूनान के अन्य देवता हैं उनको बलिदान देने से की अपेक्षा और भी उच्च और अच्छी श्रेणी के, अनोखी श्रेणी के कार्य भी हैं। एंड मेनी पीपल थॉट, और कई लोगों ने ऐसा सोचा, दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह नव युवकों को भ्रमित कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और हर एक व्यक्ति से बात करके, प्रश्न करके वह उनके मस्तिष्क में संदेहों को उत्पन्न कर रहा है, उन्हें भ्रमित कर रहा है। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, उस समय जो एथेंस में शासन कर रहे थे, समंड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, उन्होंने सुकरात को अपने समक्ष आने के लिए आमंत्रित किया। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप, उसके मित्रों ने उससे निवेदन किया कि वह बच भाग जाए, और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, या कहीं छुप जाए जब तक कि यह तूफान थम नहीं जाता। बट सोक्रेटिस वाज नो कवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानते थे दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, और उन्होंने केवल वही बताया और सिखाया है जो उन्हें न्यायपूर्ण लगा, ट्रू एंड ऑनरेबल, सत्य लगा, एंड ऑनरेबल में गौरवपूर्ण लगा। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वह न्यायालय के बुलाएवे पर दरबार में हाजिर हुए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर डस्टी, उनके जूते और कपड़े गंदे थे। एंड ट्रेवल ट्रेन, जो कि यात्रा के कारण थे, बट एवरी वन न्यू, लेकिन हर एक व्यक्ति जानता था दैट अ नॉबल हर्ट बीट अंडर द सैवी गारमेंट्स, सैवी गारमेंट्स गंदे कपड़ों के बीच, एक नॉबल हर्ट मीन्स एक अद्भुत हृदय, एक अनोखा हृदय उन गंदे कपड़ों के बीच में धड़क रहा है।
ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। उन्होंने एक शक्तिशाली और आकर्षक भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस वासियों को बताया दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाइफ। कि उन्होंने बताया कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट। लेकिन वह कहता था कि अगर उसे यह भरोसा है कि यह चीजें ठीक हैं, तो इस तरह की कई मौतें वह मरना चाहेगा सच्ची और अच्छी चीजों के लिए। द जजेस लिसेंड टू हिम, न्यायाधीशों ने उसे सुना। क्वेश्चन्ड हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, उसे प्रश्न किए और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस वृद्ध व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुका रहा। लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्टरूम, उस भीड़ भरे न्यायालय में उसने चारों ओर देखा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, प्लेटो और उसके अन्य जो शिष्य थे उस समय दरबार में मौजूद थे। नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, चाहे वह जीवित हो या उसकी मृत्यु के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए प्रसन्न रहो, उसने अपने शिष्यों से कहा। आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, और हमें अपने रास्ते जाना ही पड़ता है। आई टू डाई एंड यू टू लिव, इस समय मुझे मरना है और तुम्हें जीवित रहना है। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और तभी जो सैनिक थे वह आए और उसे लेकर के जेल में गए। हिज वाइफ फॉलोड हिम विद हिज थ्री चिल्ड्रन, उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे तीन बच्चों के साथ गई। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विद हिम, उसके कुछ जो फेवरेट शिष्य थे वह भी उसके साथ साथ गए। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम, बहुत समय तक उन्होंने उससे बातें की। ही टॉट देम मेनी वाइज लेसंस, उन्होंने उन्हें बहुत ही अच्छी शिक्षाएं दी। इज दे प्रिजर्व्ड इन देयर हर्ट्स, जिसको कि उन्होंने अपने मन में बिठा लिया, अपने हृदय में रख लिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन हर क्षण उनके मित्र जानते थे दैट सॉक्रेटिस वुड डाई सून, कि सोक्रेट बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। दे वर शैड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम वी वर बीइंग बिलीव, वह हम लोगों के लिए पिता के समान थे और हमको ऐसा लग रहा था कि अब हम अनाथ होने वाले हैं। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ लाइफ एज ऑर्फन्स, और अब हमें पूरा जीवन अनाथों की तरह बिताना पड़ेगा। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, सूर्य जब पेड़ों के पीछे छिप गया, द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सॉक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, जेलर आया और उसने सुकरात को मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, क्योंकि एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उन्हें एक कप जहर का दिया जाता है। सॉक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात इसे जानता था। एंड ही नोडेड टू द जेलर, और उसने जेलर से कहा, लुक डेट हिम सैडली सेइंग, जो कि उनकी ओर दुखी होकर कह रहा था, यू सुकरात हुम आई नो टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हू एवर केम टू दिस प्लेस, उसने कहा, सुकरात मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम यहाँ अभी तक के आए हुए लोगों में से सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे महान व्यक्ति हो। विल नॉट बी एंग्री विद मी, आप मुझसे क्रोधित मत होना। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं आपसे यह जहर का प्याला पीने के लिए कहूंगा। अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी केस काज, क्योंकि इसके लिए अन्य दूसरे दोषी हैं, मैं नहीं। बस्टिंग इन टू टीयर्स ही वेंट आउट एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोते हुए वह बाहर गया और एक कप जहर के प्याले के साथ आया। मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सॉक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, अपने प्याले को अपने होठों की ओर बढ़ाते हुए सुकरात ने कहा, ईश्वर यहाँ से अन्य लोक की मेरी यात्रा को सफल बनाए। हिज पीपल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को थामना चाहा, बट वन सॉब
अबाउट, लेकिन एक जोर से सिसका एंड डिस्ट्रेस द अदर, और उसने दूसरों को भी हिला दिया। एंड सून द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और जल्द ही पूरा कमरा रोने की आवाज से भर गया। सोक्रेटिस पास सुकरात रुक गया विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, प्याले को जिसमें जहर था बिना खत्म किए रुक गया। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि यह अजीब शोर कैसा है। आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुन रखा है कि व्यक्ति को शांतिपूर्वक मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, इसलिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत रहो और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ ध्यान करते हुए वह उसने चारों ओर देखा। क्राइटो, ही विस्पर्ड, धीरे से वह गुदगुदाया, क्राइटो टू वन ऑफ हिज पीपल्स, जो कि उसके एक शिष्य का नाम था। कैन यू डू मी अ फेवर, उसने कहा क्या तुम मेरा एक काम करोगे। आई ओ अ कॉक टू एस क्लीपियस, विल यू पे द डेट, उसने कहा कि मैंने एस्क्यूलपियस देवता को एक मुर्गा चढ़ाने को कहा था, क्या तुम मेरा कर्ज चुका दोगे। आई इट शैल बी पेड सेड क्राइटो, क्राइटो ने कहा कि यह चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या और भी कुछ है। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहां कोई उत्तर नहीं था। फॉर सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स वाज डेड, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ महानतम जो यूनानी था सोक्रेटिस, वह मौत की गोद में सो चुका था, मर चुका था। डियर स्टूडेंट्स, इस योर लेसन, रीड द लेसन विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, थैंक्स।